के साथ। नमस्कार, बुशहर हलचल साप्ताहिक सुर्खियों के इस अंक में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास सुर्खियों पर। जिस संक्रांति के अवसर पर शिमला जिले के नातल में वार्षिक भंडारे का आयोजन, सतलुज आराधना और दीपदान से सरोवर व नागपा बांध क्षेत्र। पिछले दिनों रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में निःशुल्क आंखों की जांच शिविर का आयोजन हुआ। मशरूम ट्रेनिंग सेंटर दलनगर में मशरूम की खेती के छठे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ डिवीजन रामपुर का धरना प्रदर्शन। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रामपुर में रैली तथा धरना प्रदर्शन। शिमला जिले के ननकड़ी में दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। अब सुर्खियां विस्तार से। जिस संक्रांति के पावन अवसर पर शिमला जिले के ननकड़ी नातल में स्थित नातली नाग मंदिर परिसर में वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करने पहुंचे तथा स्थानीय लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया तथा भोलेनाथ और माता के भजनों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। नातली नाग देवता नातल उप तहसील ननकड़ी जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत कलेडा मछेवटी मझोली टिप्पर नरेन बाली तथा सुंगरी क्षेत्र के मध्य नातल नामक शिखर पर विराजमान है। इस वर्ष नातली नाग के 15वें वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा प्रति वर्ष ज्येष्ठ संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करने पहुँचे तथा स्थानीय लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। मंदिर परिसर में भक्तों ने तरह तरह के भजन गाए। माता और भोलेनाथ के भजनों में माहौल भक्तिमय हो गया। नातली नाग मंदिर नातल में 15 भंडारा ग्रहण करने दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे तथा भंडारा ग्रहण कर देवता नातली नाग का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही साथ व्यक्तियों ने अपने सुविचार रखे। संघर्ष जो है ना जीवन में संघर्षशील होना चाहिए, अभी प्रयत्नशील। जब हम प्रयत्नशील है, संघर्ष करेंगे तो तभी हम वो बनेंगे। अगर कोई ये चाहे कि भाई बैठे बैठे मेरे को जो है वो मिल जाएगी, राजगद्दी मिल जाएगी, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, अंग्रेजी में कहते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर कार्य करते हैं। तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता होनी चाहिए, हमारा चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए। खासतौर पर हमारे युवा लोग देखते हैं, हम आज जो है नशे प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं, हम नशों में डूब रहे हैं। हमारे पास पैसा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम पैसों का यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, ये बात चिंता का विषय है। भावनाओं से आए, हमने नातली नाग जो एक भगवान शंकर का सिंबल है, हम वहाँ पर जाए, हम एक कमिटमेंट करके जाए, हमें कुछ करना है समाज के लिए, तभी हमारे इस जीवन का औचित्य है, इसका महत्व है। तो ये हमारा संदेश होना चाहिए। अगर आप को ये बात मेरी समझ आई तो जरा एक बार जोरदार जयकारा नारा लगाएंगे, बोल नातली नाग के साथी, इतनी आवाज पहुंचे कि काफी दूर तक जाए, बोल नातली नाग देवता की। सतलुज से करीब 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतलुज नदी पर बने नागपा झाकड़ी बांध पर पिछले दिनों पहली बार सतलुज की आरती की गई। इस दौरान निगम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नंदलाल शर्मा, निदेशक अमरजीत सिंह बिंद्रा और परियोजना प्रमुख संदीप सूद की सात्विक अंतस्था प्रेरणा से वशीभूत होकर कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस ऐतिहासिक मौके पर निगम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नंदलाल शर्मा ने सतलुज नदी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य में वृक्ष और नदियों की पूजा अर्चना का विधान है। जन्म से लेकर अंत तक नदियाँ माँ के समान पोषण करती है।
इसीलिए नदियों को माता कहकर उन्हें पूजनीय माना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जीवन को पोषण व संस्कार देने वाली माँ सत्व नदी वास्तव में जीवन धारा है। इस समय हम खड़े हैं नाथवा झाकड़ी परियोजना के परिसर में। यहाँ पर गंगा आरती की तर्ज पे सतलुज नदी की भी आरती की जा रही है। इस समय यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रशासन व आम जनता सभी लोग मौजूद है। नाथवा से निशांत शर्मा की रिपोर्ट। सतलुज से करीब 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतलुज नदी पर बने नाथवा झाकड़ी बांध पर पिछले दिनों पहली बार सतलुज की आरती की गयी। इस दौरान निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नंदलाल शर्मा, निदेशक अमरजीत सिंह बिंद्रा और परियोजना प्रमुख संदीप सूद की सात्विक अंतस्तः प्रेरणा से वशीभूत होकर कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस ऐतिहासिक मौके पर निगम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नंदलाल शर्मा ने सतलुज नदी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य में वृक्ष और नदियों की पूजा अर्चना का विधान है। जन्म से लेकर अंत तक नदियां माँ के समान पोषण करती हैं। इसलिए नदियों को माता कहकर उन्हें पूजनीय माना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जीवन को पोषण व संस्कार देने वाली माँ सतलुज नदी वास्तव में जीवन धारा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर के पश्चिम में राक्षस ताल से उद्गम हुई सतलुज नदी करीब 400 किलोमीटर बहने के बाद किन्नौर के शिपकी में जाकर पर्वत श्रृंखला को काटते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी का बहाव दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि अब हर साल सतलुज नदी पर बनी अलग अलग परियोजनाओं पर भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो कार्यक्रम या जो चीज़ जब होनी है तभी होती है। एक विचार आया, पहले विचार को ऐसा नहीं था कि पहले विचार आया किसी ने नहीं किया, तो एक विचार आया कि हमें सतलुज जो इतना नदी देती है हम सब के लिए, ऐसे भी इनके लिए नहीं, पूरे लोग जो पूरी इस घाटी में बसे हैं उन सब के लिए सतलुज का जितना योगदान है, तो सतलुज नदी एक नदियों में श्रेष्ठ नदी है और नदियों की हमारी संस्कृति में पूजा की जाती है, तो हम क्यों ना हम इस परंपरा को प्रारंभ करें कि सतलुज नदी की पूजा करें। बिल्कुल हर वर्ष होगा और ये प्रयास रहेगा कि विभिन्न स्थानों पर होगा और एक दिन ही होगा। वैसे तो हम कहें कि जो पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और जल, और जल का जो महत्व है सबके जीवन में, अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जल के बिना हमारा जीवन क्या होगा, और जल से ये सब कुछ मिल रहा है, तो जल का सदुपयोग कैसे किया जाए, वो किसी भी कार्य के लिए, चाहे पीने के लिए हो, खेती के लिए हो, बिजली बनाने के लिए हो, संतुलित प्रयोग जल का हो, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। जो भी कोई योजना बनेगी तो SJVN उसमें सबसे अग्रणी रहेगा, सबसे आगे रहेगा। हमारा पहले भी प्रयास रहता है और ये सामूहिक प्रयास है, चाहे सरकार है या निगम है या लोग है, और हम कोशिश करेंगे सतलुज को स्वच्छ रखने के लिए जो भी कार्यक्रम बनेगा या हमारी तरफ से जो भी प्रयास होंगे हमारा उसमें पूरा योगदान रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम टू नरेंद्रा सिप एंड ड्राइव कोल्ड स्टोर डकोलर। आपके अपने शहर रामपुर के डकोलर में खुल चुका है नरेंद्रा सिप एंड ड्राइव कोल्ड स्टोर। यहाँ पर आपको उपलब्ध है वाडीलाल कंपनी की आइसक्रीम्स, फ्रोजन फूड, फ्लावर फॉर डेकोरेशन आइसक्रीम, चॉकोबार, कॉर्नेटो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, फ्रोजन फूड वेज, फ्रोजन पीस, फ्रेंच फ्राइज, वेज स्टिक,
आलू टिक्की एक्सेट्रा, फ्रोजन फूड नॉन वेज चिकन नुगेट फिश चिकन शॉर्ट्स एक्सेट्रा. Flowers for decoration is also available. For more detail, contact us at 94180-12531, 94180-34255, 94180-33655 and 94180-66655. पिछले दिनों रामपुर बुशहर सत्यनारायण मंदिर परिसर में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया. इस मौके पर पहले दिन आंखों की निशुल्क जांच की गई तथा दूसरे दिन आंखों की सर्जरी की गई. इस मौके पर रामपुर तथा आसपास के क्षेत्र से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया. इस मौके पर डॉक्टर कपिल बोहरा ने अपनी सेवाएं प्रदान की. आंखों की समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपनी जांच के लिए कतारों में खड़े हुए. अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुछ लोगों के हाथ निराशा लगी तथा अपनी आंखों की जांच नहीं करवा पाए. इस मौके पर स्वाति बंसल ने कहा कि पहले दिन 700 के करीब लोगों की जांच की गई तथा 25 के करीब लोगों की सर्जरी हुई. इस निशुल्क आंखों की जांच शिविर का आयोजन रोटरी क्लब रामपुर बुशहर तथा शांति आई केयर रामपुर द्वारा किया गया. और शांति आई केयर की तरफ से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है और यहां पर लोगों का हजूम का हजूम उमड़ पड़ा है. और यहां पर अभी आप देख रहे हो लोग जगह जगह कतार लगा कर खड़े हुए हैं और कुछ लोग यहां मंदिर परिसर में बैठे हुए हैं. हाँ, हम शहर हलचल को भी रोज़ देखते हैं. इसमें भी न्यूज़ के द्वारा पता चला है, लोगों को भी न्यूज़ के द्वारा जागृत हुए हैं. चलो कि हमने जो है 19 तारीख को जो है रामपुर जाना है, हमें आंखों के निःशुल्क सेवा दी जा रही है. बेलू से आए हैं, क्या करवाने आए हैं? और कितने लोग आए आपके साथ? और कितने लोग आए हैं? बिल्कुल बड़े हैं. कब से बैठे हैं? और कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? ये काम को मेरे पेशेंट के ऊपर अधिकार था, ये हो गया. यहाँ पे कब से बैठे हैं आप? हाँ, यहाँ पे कब से बैठे हैं? अभी सुबह से बैठे हैं. सुबह से बैठे हैं, 4 घंटे से बैठे हैं. अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? नंदगिरी से आए. और लोग कितने आए आपके साथ? 3 लोग आए. ठीक है. रोटरी क्लब रामपुर के द्वारा एक दिवसीय आई चेकअप कैंप रखा गया है, जिसमें अभी तक 612 OPD हो चुकी है और 50 हमने सर्जरीज के केसेस से अलग से निकाल दिए हैं. 25 ऑपरेशन हम आज करेंगे, बाकी के ऑपरेशन कल के जाएंगे. अभी OPD चल रही है और सर्जरीज के केस भी देखो कितने और हमारे पास आते हैं. सर, अभी तक कितने लोग एनरोल हो चुके हैं इस आई कैंप में? अभी 1 बजे तक जो है रोटरी क्लब रामपुर के सौजन्य से जो आई चेकअप कैंप चल रहा है, 612 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उसमें से 45 के आसपास जो है ऑपरेशन के लिए उन्होंने चेक की है रिकमेंडेशन, जो टेक्नीशियन जो चेक कर रहे हैं. आज शाम को 20-25 ऑपरेशन हो जाएंगे 6 बजे से 9 बजे. जांच कल भी होगी कि आज ही? आज जांच का काम तो आज ही होगा, पर आज शाम से और कल के तो सिर्फ ऑपरेशन ही होंगे. मशरूम ट्रेनिंग सेंटर दत्तनगर में मशरूम उत्पादक तकनीक पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन पिछले दिनों हुआ. इस अवसर पर SDM रामपुर डॉक्टर निपुल जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.
इस मौके पर एसडीएम रामपुर ने कहा कि मशरूम उत्पादक तकनीक प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य जिला किन्नौर में जो मशरूम खेती के फायदे हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादक अपने आप में अनूठी इसीलिए है क्योंकि इसमें भरपूर पौष्टिकता पाई जाती है तथा बाजार में किफायती दामों में बिकता है। मशरूम ट्रेनिंग सेंटर दत्तनगर में मशरूम खेती के छठे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर एसडीएम रामपुर डॉक्टर निपुल जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर निपुल जिंदल ने कहा कि दत्तनगर में छोटा सा निकेतन बना था, ये सिर्फ जिला शिमला तक सीमित नहीं रहा, आज की दिनांक में इसका फायदा आसपास के जिलों को भी हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती से जितने भी किसान तथा गरीब लोग हैं उनकी आय के साधन को बढ़ाया जा सकता है। एसडीएम ने कहा कि मशरूम उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण शिविर का छठा आयोजन रामपुर में किया गया। एसडीएम रामपुर ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि मशरूम खेती के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है उनको जो प्रशिक्षण दिया गया उन्होंने उसे सीमित नहीं रखा बल्कि जगह जगह कैंप का आयोजन किया और जितनी भी समस्याएं किसानों को आई उसका मौके पर ही निवारण किया। एसडीएम ने कहा कि मशरूम की खेती से संबंधित किसानों की जो भी समस्याएं या उलझन रहेगी उसका निवारण किया जाएगा। जो ये मशरूम ट्रेनिंग सेंटर है दत्तनगर में, ये आज जो इनका पिछले डेढ़ साल में छठा प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है और इसमें जो किन्नौर ज़िला के जो ज़िला परिषद के चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन और जितने मेंबर्स हैं, बीडीसी के जितने पदाधिकारी हैं और पीआरआई जितने हैं उन्होंने भाग लिया है। और इसका मेन मकसद ये था कि जो ज़िला किन्नौर में जो मशरूम कल्टीवेशन के फ़ायदे हैं उसके बारे में जो जन जन तक जो ये इंफॉर्मेशन है वो पहुँचे। और मशरूम कल्टीवेशन अपने आप में ही अनूठी इसलिए है क्योंकि इसमें जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो बहुत ही कम है। लगभग दो महीने में आप 4 से 5 बार आप मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो एंड प्रोडक्ट है मशरूम वो भी किफ़ायती दामों पर बिकता है बाज़ार में और वैसे पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा है उसमें। इसमें जो मेन इशू रहता है वो रहता है इनपुट का, सबस्ट्रेट का, तो वो भी हमारे जो डॉक्टर एस आर शर्मा है SMS हॉर्टिकल्चर रामपुर में, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इसको बहुत ही सरल कर दिया है और इनको यहाँ पे जो कंपोस्ट है इसकी सबस्ट्रेट ग्रो करने के लिए, मशरूम को ग्रो करने के लिए, ये भी सब्सिडाइज्ड तरीके पे यहाँ पे लोगों को, फार्मर्स को आवेदन पे दी जा रही है। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है और इस प्रशिक्षण का यही मकसद था कि ये जन जन तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे PRIs के माध्यम से। और ये काफ़ी हद तक जो हमें जो ये फीडबैक मिला है उसमें ये जो टीम है उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। इसको स्किल इंडिया के तहत लिया जा सकता है। देखिए, स्किल इंडिया तो बेसिकली जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं स्किलिंग के लिए उन सबको शामिल करके स्किल इंडिया बनता है, तो ये डेफिनेटली ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में चाहे वो खेती हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्मॉल वोकेशन हो, एनवेलप मेकिंग हो, या फिर अपना किसी भी तरह का काम हो, तो वो सब कुछ स्किल इंडिया का ही पार्ट है। ट्रेनिंग करके हमारा बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हमारा हर चीज़ सिखाई गई खून के बारे में, हमें अपने मतलब लेवल में भी करना है, हमने जन जन तक पहुँचाना है, अपने गाँव में सबको बोलना है कि यह मशरूम की ट्रेनिंग अच्छी थी, जो जिन्होंने कहा जो करना चाहिए, हम मुझे यही काम है कि मैं जन जन तक पहुँचाना है। बहुत लाभ हुआ है। हमने सुना था कि मशरूम जो है जो कम जगह होता है वो लोग इस काम को कर सकते हैं। वाकई में जब हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया हमें मालूम हुआ कि एक छोटी सी जगह में जो है अपने आय को बढ़ाने के लिए, अपने आय को परिवार के लिए जो आय की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए छोटी सी जगह में मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि जिसके पास कम जगह होगा वो कंपोस्ट जो है ना बन बनाया ले सकते हैं और जो कम मशरूम की जो बीज है वो हम आगे से सबसे पहले इसमें ये है कि हमें नमी और जो तापमान है उसकी देख रेख करनी होगी और अच्छी तरह से अगर हम उससे हम साफ सफाई रखेंगे तो अपनी आय को जो है ना अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा ये है कि आप 3 महीने में अपनी आय को इसमें दुगना कर सकते हैं अगर हमें कामयाबी मिलती है और इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। गरीब महिलाओं के महिलाओं के लिए इसका मतलब यह रहेगा, सबसे बड़ी समस्या होगी उनके पास भी जगह की, भूमि कम होगी तो उन्हें जो है स्वयं सहायता समूह बना करके इस
उत्पादन को अपनाना चाहिए और उनकी जो आर्थिक जो स्थिति आज हम सीनियर एम सी दत्तनगर में दत्तनगर पाँच दिवसीय संपूर्ण प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। पंद्रह मई से 25 शिविर है और इसको मिलाकर लगभग 325 रोज जो है प्रशिक्षण दे चुके हैं और इसमें से लगभग 101 परीक्षणार्थी जो है उन्होंने इस मशरूम उत्पादन को व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया है। इससे लोगों को क्या फ़ायदा है? इससे बेरोजगार लोगों को, हमारे जो युवा हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास जमीन कम है, उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो एक कमरे में मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम टू नरेंद्रा सिप एंड ड्राइव कोल्ड स्टोर डकोलर। आपके अपने शहर रामपुर के डकोलर में खुल चुका है नरेंद्रा सिप एंड ड्राइव कोल्ड स्टोर। यहाँ पर आपको उपलब्ध है वाडीलाल कंपनी की आइसक्रीम्स, फ्रोजन फूड, फ्लावर फॉर डेकोरेशन आइसक्रीम, चॉकोबार, कॉर्नेटो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, फ्रोजन फूड वेज, फ्रोजन पीस, फ्रेंच फ्राइज, वेज स्टिक, आलू टिक्की एक्सेट्रा, फ्रोजन फूड नॉन वेज, चिकन नुगेट, फिश, चिकन शॉर्ट्स एक्सेट्रा। फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट अस एट 94180-12531, 94180-34255, 94180-33655 and 94180-66655. जिसमें 25% के करीब महिला कर्मी शामिल रही। डाक सेवकों ने 22 मई से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर डाक कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। डाक कर्मियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो हमारा ये आंदोलन और भी उग्र होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक यूनियन मंडल रामपुर बुशहर ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें डाक कर्मियों ने नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। इस मौके पर रामपुर के आसपास के सभी डाक कर्मी मौजूद रहे, इसमें महिला डाक कर्मी भी शामिल रही। इस मौके पर डाक कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं की जाएगी तो हमारा आंदोलन आने वाले समय में और भी उग्र हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा हमारे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अन्य रेगुलर कर्मचारियों को भत्ते दिए जाते हैं उसी प्रकार हमारी मांगों को भी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा हमारी हड़ताल पूरे देश में चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा न किया जाए। उन्होंने कहा हमारी मोदी सरकार से विनती है कि हमारे सातवें वेतन आयोग सिफारिशों को लागू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 22 मई से हमारी हड़ताल जारी है और अनिश्चितकालीन तक चलेगी जब तक हमसे कोई विचार विमर्श ना कर ले। इस हड़ताल में रामपुर के साथ साथ रामपुर के आसपास के क्षेत्रों के डाक कर्मियों ने भी भाग लिया। डाक कर्मियों ने चेताया कि एक सप्ताह तक हम शांतिपूर्वक हड़ताल करेंगे और यदि इसके बावजूद भी हमारी मांगों को लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा। डाकर्मियों के हड़ताल पर जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, पेंशन, कोर्ट मैटर सहित अन्य डाक सेवाएं पूरी तरह ठप है। हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका क्या क्या आपके क्या क्या मुद्दे हैं? क्या हमारे मुद्दे हैं? जो हमारे सातवां वेतन आयोग की सिफारिश है वो लागू नहीं की गई है ये स्टाफ के लिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी रेगुलर एम्प्लॉयियों को भत्ते दिए जा रहे हैं इसी तरह से हमारी जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए। अब कितने लोग इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं? मैं हड़ताल में सारापुर हमारा जी डी एस स्टाफ ऑलमोस्ट है ना 600 के करीब करीब यहाँ पर रहे रामपुर डिवीजन में, बाकी भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट में ऑल इंडिया लेवल पर ये स्ट्राइक चल रही है। और आप मोदी सरकार से क्या क्या मांग करते हैं? मोदी सरकार से हमारी यही विनती है कि जो हमारी सातवीं वेतन आयोग की रिपोर्ट है उसको जो है लागू कर दिया जाए। अभी कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं? दो दिन से 22 तारीख से हमारी स्टार्ट हुई है हड़ताल। आगे अनिश्चितकालीन है जब तक हमारे साथ इसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं होता है। हम देख रहे हैं महिलाएं भी आपके साथ? महिला हमारा स्टाफ है, हमारी महिला भी हमारे साथ ही है, ये भी हमारे कर्मचारी है। कितने का संख्या है लोगों महिला की? 25% है हमारे पास। थैंक यू। जयचंद बैक, रीजनल सेक्रेटरी AIPU GDS रामपुर। ये आपका जो हड़ताल है किन किन मुद्दों को लेकर है? ये सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कमलेश चंद्रा जी ने तैयार की है, उन्होंने ये रिपोर्ट 11 महीने में तैयार की है लेकिन सरकार को इसे इम्प्लीमेंट करने में 20 महीने से ज़्यादा समय लग गया और इसी विषय में हमारी ये जो स्ट्राइक ये हमारा आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का। अच्छा, मांगों को लेके आप मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी जो 7th पे कमीशन रिपोर्ट है इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा सातवां पे कमीशन जो है लागू किया जाए और हम तब तक इस हड़ताल में रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मांगी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी और हमारी ये हड़ताल जारी है। DPM हूँ और हमारा जो मुद्दा है आज का वो है सातवां कमीशन का जो कि हमारे को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अतः मोदी से हम यही निवेदन करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और हम महिला भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग कितनी महिलाएं कितने क्षेत्रों से आई हुई हैं आप लोग? इसमें हैं हम 25-30 महिलाएँ हैं और क्षेत्र भी 25 के करीबी है। हमें हमारे साथ मौजूद है पोस्टल यूनियन के रीजनल सेक्रेटरी राजकुमार ठाकुर जी। राजकुमार ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर साहब ये आपकी हड़ताल कब से चल रही है? ये 3 दिन से 22 तारीख से चल रही है और आज तीसरा दिन, आज हड़ताल का तीसरा दिन है। तो आपकी जो किन किन मांगों को लेके आप ये हड़ताल कर रहे हैं? हम सातवां पे कमीशन के लिए अपनी मांग को मांगना चाहते हैं। जब तक ये मांग पूरी हुई तब अनिश्चितकालीन तक हम लगे रहेंगे जब तक मांग पूरी। तो आपको सुध-बुध लेने कोई अभी नेता लोग आए या कोई नहीं? कोई नहीं सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला अभी तक। इंतजार। तो इसके बाद आपका फर्दर क्या रहेगा? हमें तो लगातार ही रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी। इस स्ट्राइक को आप उग्र भी करेंगे? उग्र भी करेंगे, इसको नहीं मानी तो उग्र भी हो। हिमाचल प्रदेश सर्कल के प्रेसिडेंट अनिल कश्यप जी, तो अनिल कश्यप जी से पूछते हैं, अनिल जी आपके इस हड़ताल के बारे में क्या कहना है? हमारी हड़ताल 3 दिन से चल रही है। हमारी जो मेन मुख्य मांगे हैं वो है सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। अभी तक 2 साल 4 महीने और 23 दिन से लेकर इसके बारे में सरकार ने कोई सुध-बुध नहीं ली है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में जल्दी से जल्दी फैसला ले ताकि हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ की जाए। फिलहाल हमारा जो ये प्रदर्शन है शांतिपूर्ण है, कल से हम बाज़ार में रैली निकालेंगे। अगर हमारी जो ये मांगें पूरी नहीं की गई तो हमारे को मजबूरन ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है।
देश भर में प्रगतिशील जनवादी संगठन व सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पिछले दिनों देश भर में केंद्र सरकार की पोल खोल हल्ला बोल के तहत जन एकता एवं जन अधिकार अभियान आंदोलन ने धरने का आयोजन किया। सभा की शुरुआत जन एकता एवं जन अधिकार आंदोलन के राज्य सह संयोजक प्रेम गौतम ने की। उन्होंने कहा, बेरोजगारों की भीड़ देश में कड़ी हो चुकी है। देश में नोटबंदी करके भाजपा ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर डाली। उन्होंने कहा कि आज की दिनांक में लोगों के छोटे छोटे रोजगार बंद हो गए हैं। देश भर में प्रगतिशील जनवादी संगठन, किसान, युवा, महिला बैंक बीमा, नौजवान मजदूर, कर्मचारी व सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पिछले दिनों देश भर में मोदी सरकार की पोल खोल हल्ला बोल के तहत जन एकता एवं जन अधिकार अधिनियम आंदोलन ने धरने का आयोजन किया। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के पूर्व सचिव डॉक्टर ओंकार चाद ने बताया कि प्रदेश में भाजपा ने जयराम सरकार प्रदेश के गरीब किसानों व बागवानों के बंदूक की नोक पर सेब के पेड़ काटने में लगी हुई है। अभी तक शिमला जिले में करोड़ों रुपए के सेब काटे जा चुके हैं। किसान सभा की जमीन की मांग को दरकिनार कर भाजपा से संबंधित उद्योगपतियों को देश की जमीन बांटने में लगी है। उन्होंने बताया कि देश में उद्योगपति को करों में लाखों करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं। दूसरी ओर किसानों से कुछ हजार के ऋण को वसूलने के लिए किसानों की जमीन कुर्क की जा रही है। रामपुर में इस धरने में सिट्टू छात्र संगठन, महिला संगठन, सेब उत्पादक, दुग्ध उत्पादक, किसान संगठन आदि से किसान सभा जिला शिमला का महासचिव आज यहाँ पे जो रामपुर स्कीम दफ्तर के बाहर हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर है कि जो मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो जनता से वादे किए थे, जो उन्होंने किसानों को जो सपने दिखाए थे कि जो अच्छे दिन का जो एक वादा दिया किया था और किसानों से जो उसकी फसल का जो क्या होता है 1.5 गुना दाम देने की जो बात कही थी उसकी लागत के ऊपर, लेकिन आज अगर जो सच्चाई है जो 4 साल जो केंद्र की सरकार को चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उसके ऊपर अगर आज हम देखेंगे तो ये सरकार जो है अपने वादे पे जो खरी नहीं उतरी। इस हमारा जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है वो जो मोदी सरकार के 4 साल हुए हैं पूरे, और मोदी ने जब सत्ता पर आई भाजपा सरकार जनता के साथ क्या क्या वादे किए थे उनको आज तक मोदी जी ने पूरा नहीं किया, इसलिए पोल खोल हल्ला बोल पूरे देश में हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है, जिसमें सबसे पहले नौजवानों के लिए 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं जो पूंजीपति के पक्ष में बना रहे हैं, जो किसान ने उसको जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था उसकी लागत से 50% अधिक वो नहीं दिया है, देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये वेतन नहीं किया मोदी ने, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर इसको सरकारी कर्मचारी अभी घोषित नहीं किया। आने वाले समय में जो है कि जो 19 में जो चुनाव होना है अगर उससे पहले मोदी सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो आउटसोर्सिस है उनके लिए, तो हम जो है उसके खिलाफ जो है वोट करेंगे, जिससे जो है 19 में जो उनको जो है सत्ता से जो है हाथ धोना पड़ेगा। इसी के साथ जो मैं CI2 का समर्थन करता हूँ, जो जो भी आने वाले समय में इनके जो धरने प्रदर्शन होंगे 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है उसके लिए नथवा जाकड़ यूनियन जो है हर समय जो है CI2 के साथ जो है खड़ी रहेगी। रामपुर में सिट्टू द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया, जिसमें कि सिट्टू के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। रामपुर से बुशहर अंचल के लिए निशांत शर्मा के साथ सुरेंद्र शर्मा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। Welcome to Narendra Sip and Drive Cold Store Dakolar.
आपके अपने शहर रामपुर के डकोलड़ में खुल चुका है नरेंद्रा सिपिन ड्राइव कोल्ड स्टोर। यहाँ पर आपको उपलब्ध है वाडीलाल कंपनी की आइसक्रीम्स, फ्रोजन फूड, फ्लावर फॉर डेकोरेशन आइसक्रीम, चॉकोबार, कॉर्नेटो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, फ्रोजन फूड वेज, फ्रोजन पीस, फ्रेंच फ्राइज, वेज स्टिक, आलू टिक्की एक्सेट्रा, फ्रोजन फूड नॉन वेज, चिकन नुगेट, फिश, चिकन शॉट्स एक्सेट्रा। फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट अस एट 9418012531, 9418034255, 9418033655 and 9418066655. आप देख रही है शहर हलचल टीवी चैनल पर शहर हलचल सुर्खियां। खास कार्यक्रम देव संस्कृति, तो देखते रहिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार साय 8 बजे शहर हलचल टीवी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा खेलकूद प्रकोष्ठ जिला महासू द्वारा ननखी स्टेडियम में दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 21 मई 2018 को खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत की 7 वॉलीबॉल की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, शिमला, भाजपा मंडल चौपाल, भाजपा मंडल रामपुर तथा ऊना की टीमें शामिल रही। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकस्सी और लोक नृत्य आदि मुकाबले हुए। द्वितीय उत्तर क्षेत्रीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेलकूद प्रतियोगिता के आखिरी दिन युवा सेवाएं, खेल, परिवहन तथा वन विभाग के मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भाजपा खेलकूद प्रकोष्ठ जिला महासू द्वारा ननखरी स्टेडियम में दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 21 मई 2018 को खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत की 7 वॉलीबॉल की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, शिमला, भाजपा मंडल चौपाल, भाजपा मंडल रामपुर तथा ऊना की टीमें शामिल रही। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकस्सी और लोक नृत्य आदि मुकाबले हुए। इस मौके पर पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन में मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि खेलकूद प्रतियोगिता को बढ़ावा दें, क्योंकि प्रतियोगिता से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। द्वितीय उत्तर क्षेत्रीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेलकूद प्रतियोगिता के आखिरी दिन युवा सेवाएं, खेल, परिवहन तथा वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के समारोह के उपलक्ष्य में 2017 से करवाई जा रही है। इसमें हमारा जो लक्ष्य है, वो अधिक से अधिक युवाओं को नशे से छुड़ाकर खेल की ओर मोड़ना है और युवाओं को, महिलाओं को खेल के साथ जोड़ना है, ताकि जो समाज में बुराइयां हैं उसकी तरफ नौजवानों का ये कदम ध्यान न जाए। और हमारी जो स्थानीय जो खेल है, जो प्राय विलुप्त हो रहे थे, जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, मतलब लगभग ये एक प्रकार से मर चुकी थी। तो इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि इन स्थानीय खेलों को दोबारा से जीवित किया जाए और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो और गांव में जो लोग हैं इन खेलों को पसंद भी करते हैं। इस वक्त हमारे पास ये 3 स्तर पर ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। एक तो जो स्कूली स्तर है, जिसको हम प्रमोशन का काम करें, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, कि ताकि स्कूल में लोग वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो आदि खेले, तो स्कूली लेवल हम अलग से करवा रहे हैं। दूसरा है हमारा ग्रामीण लेवल, जिसमें ग्रामीण स्तरीय जो खिलाड़ी है वो भाग लेते हैं, जो हमारे गांव के, दूरदराज के क्षेत्र के, और साथ में जो महासू मंडल के, जो 5 हमारे मंडल है महासू जिले के, तो उनकी भी टीमें यहाँ पर वॉलीबॉल और कबड्डी में शिरकत कर रही है। और साथ उसके साथ हमारे पास विभागीय 6 टीमें हैं, जिनको हम इन्वाइटी टीमें कहते हैं, जैसे एजी शिमला होगी, चंडीगढ़ होगी, रेलवे होगी, ऊना स्पोर्ट्स हॉस्टल हो गया, तो ये 6 टीमें हमने आमंत्रित कर रखी है और 4 की सूचना भी हमारे पास है,
जो जिनके हम आगे मैचेज यहाँ पर करवाएंगे, दो टीमें शायद कल तक हमारे तक पहुँचेंगी। अभी तक तो हमारे पास लगभग जो स्कूली लेवल है, जो हमारे पास क्षेत्रीय स्कूल है, जैसे शोली, ननकरी, बगलती, देलट और तीन यहाँ हमारे पास जो जो प्राइवेट स्कूल है, उनमें से दो की भी सूचना हमारे पास है, क्योंकि आज हमारा उद्घाटन है। ज़्यादा पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लगभग फिर भी स्कूली लेवल की हमारे पास 10-1 टीमें होगी और ग्रामीण लेवल की भी हमारे पास 10-1 टीमें कबड्डी और वॉलीबॉल की होगी। कबड्डी भी थोड़ी कम हो सकती है, वॉलीबॉल की 10-1 टीमें होगी और 6 टीमें हमारे पास इन्वाइटेड है और 5 टीमें हमारे पास जो मंडलों की, हमारी अपनी जो 5 मंडल है उनकी टीमें हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, कमेटी वालों ने हमें रहने के लिए और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। जब तक ये टूर्नामेंट चले गया है, जब तक हमारी टीम इस तक रहेगी, 26 तारीख तक है, 24 वॉलीबॉल से जो है हमें बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, इसे हम आगे के लिए भी और सीखते हैं। हमारी जो टीम आती है पूरी, हमें इसमें कॉम्बिनेशन का भी पता लगता है जब हम टूर्नामेंट खेलते हैं। खेल से हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, नशे की ओर नहीं जाता है और नशे से हमारा शरीर भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें हर को नशे से दूर रहना चाहिए और खेलों की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, फिटनेस बढ़े रहेगी आगे और अच्छा खेलेंगे तो आगे इंडिया के लिए भी सिलेक्शन होती है। सर, ननकरी में भाजपा मंडल द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें कि मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे। ननकरी से निशान शर्मा के साथ सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। साप्ताहिक सुर्खियों के इस अंक में इतना ही, नमस्कार। सिप एंड ड्राइव कोल्ड स्टोर डकोलर, आपके अपने शहर रामपुर के डकोलर में खुल चुका है नरेंद्रा सिप एंड ड्राइव कोल्ड स्टोर। यहाँ पर आपको उपलब्ध है वाडीलाल कंपनी की आइसक्रीम्स, फ्रोजन फूड, फ्लावर फॉर डेकोरेशन आइसक्रीम, चॉकोबार, कॉर्नेटो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, फ्रोजन फूड वेज, फ्रोजन पीस, फ्रेंच फ्राइज, वेज स्टिक, आलू टिक्की एक्सेट्रा, फ्रोजन फूड नॉन वेज, चिकन नुगेट, फिश, चिकन शॉर्ट्स एक्सेट्रा। फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट अस एट 9418012531, 9418034255, 9418033655 एंड 9418066655। शहर हलचल टीवी चैनल पर शहर हलचल सुर्खियां।